छब्बीस जनवरी के अंतर्गत जनपद पंचायत में जो बच्चे सर्वेंट किए थे उस केस में देखा जाए तो हमारे आर एस आई स्कूल के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे केसरी के लाल वाला जो प्रोग्राम था बहुत ही सराहनीय रहा बच्चों के लिए। मानो ऐसा लगा कि जनपद पंचायत में साक्षात हनुमान जी बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं। और ये डांस और ये वर्ड मैं नहीं कह रहा, उस टाइम उस मूवमेंट में जितनी वहां पे जनमानस था, जितने हमारे अतिथिगण थे वहां पे, चाहे वो आदरणीय सीओ मैडम रही हो, जनपद अध्यक्ष महोदय जी रहे हो, मोदी जी रहे हो, सदस्य रहे हो, और हमारे सरपंच महोदय और आपका स्मार्ट सोसाइटी के अकाउंट में नौ बच्चों की फीस भी आ गई। और वही साक्षात बजरंग बली जी बच्चों के साथ मेरे केसरी के लाल वाले में डांस कर तो अतुल प्रदर्शन था। और उस अतुल प्रदर्शन के तहत आर एस आई टी स्कूल के सभी बच्चों के लिए जो डांस में पार्टिसिपेट किए थे उन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। और ये हम सभी आर एस आई टी के बच्चों, स्टूडेंट, स्टाफ, अभिभावकों के लिए, सबके लिए गौरव का विषय है कि आज हमारा आर एस आई टी प्रथम वर्ष में ही उस मुकाम तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ उस पुरस्कार के तहत हमारे आर एस आई टी के बच्चों को नगद नगद जनपद पंचायत के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हो उसमें नगद पुरस्कार मिला 1300 रुपए की राशि। और उस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट समिति के सभी सदस्य देख रहे थे तो सभी के सदस्यों ने निर्णय लिया कि जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, 9 बच्चे टोटल, 9 के 9 बच्चों का वन मंथ का एक एक माह की सभी और सबसे ज्यादा सराहनीय और टेंशन की बात थी आयुष बघेले और क्या नाम बच्चे का, प्रशांत, प्रशांत, इनकी थोड़ी सी स्टार्टिंग टाइम में प्रिपरेशन कर रही थी तो लग रहा था कि बहुत नर्वस हो बच्चे, बट मैंने बताया ना उस मोमेंट में ऐसा लगा कि साक्षात केसरी के लाल बच्चों के साथ हौसला बढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे अपूर्ण प्रदर्शन किया। इसको नहीं मिला, बेचारा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लिफाफे के अंदर जनपद पंचायत के माध्यम से जो पुरस्कार मिला था लगभग 1300 रुपए की सहायता राशि थी, उसको 9 बच्चों के डिवाइड करके बराबर वाला जो राशि बैठी होगी उस लिफाफे के अंदर पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अब मैं अमृता मैडम को बुलाना चाहता हूँ, आ जाओ, वो आर एस आई टी के समिति के हेड की तरफ से जो एक एक माह की फीस का पुरस्कृत किया गया है उसकी हार्ड कॉपी रसीद, ऐसा नहीं कुछ अमाउंट का झोल छाप नहीं है, उस अमाउंट का जो फीस है उसकी जब नेक्स्ट ईयर बच्ची जाएगी बेटी है ना, तो जो भी आपकी फीस 500 लगता है आपकी क्लास का, तो इनकी फीस ट्यूशन फीस के अलावा जो एडमिशन फीस और वो बाकी जो फीसें रहती है उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। साथ में अभी भी इस बच्ची को तत्काल एक रसीद प्रदान किया जाए नेक्स्ट ईयर के नाम से पेंशन करके। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी टीचरगण जो इन बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपने तैयार किया, स्पेशली शिवानी मैम, अमृता मैम, सीमा मैम और सभी जितने सदस्य थे सभी ने अच्छा खासा बच्चों के प्रोग्रेसिव करने के लिए अच्छे खासे रिपोर्टिंग सिस्टम बनाए जिससे बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस भी।